तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं आज फिर से एक नया वाला वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वाले वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं जो पहले टीवीएस की तरफ से एंटॉर्क आता था 125 वाला, तो वही एंटॉर्क 125 अब न्यू अवतार में 2021 के अंदर लॉन्च होने वाला है। और इस एंटॉर्क के अंदर बहुत सारा फीचर्स होने वाला है। मैं हूँ अंगन कर्मकर, आप देख रहे हो कर्मकर अंगन ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते आज के वीडियो। टीवीएस की तरफ से एक बहुत ही पॉपुलर स्कूटी है एंटॉर्क, और ये एंटॉर्क बहुत पहले से ही चल रहा था, तो ये एंटॉर्क को फिर से रीलॉन्च कर रहा है न्यू कलर्स और न्यू ग्राफिक्स और न्यू फीचर्स के साथ। और ये जो टीवीएस की तरफ से न्यू 125 एंटॉर्क आने वाला है, इसका जो नेम होगा वो होगा टीवीएस एंटॉर्क 125 रेस एक्सपी। और ये जो न्यू एंटॉर्क 125 है, इसके अंदर राइडिंग मोड दिए जाने वाले है। और ये शायद ऐसा एक इकलौता स्कूटी होने वाला है जिसके अंदर असिस्टेंट वाला जो वॉइस है ना, तो वो वॉइस भी अवेलेबल है। तो ये जो एंटॉर्क स्कूटी है, इसके अंदर नेविगेशन भी होने वाला है, कंसोल ब्रिटनेस एडजस्टमेंट एंड डू नॉट डिस्टर्ब, एंड मोर ओवर द नेविगेशन फंक्शन नाउ कम्स विद द सेव एड्रेस फंक्शन। तो ये जो न्यू एंटॉर्क आने वाला है 125 वाला, इसके अंदर जो पावर रहने वाला है वो है 10 bhp का, एंड इसके अंदर जो टॉर्क रहने वाला है वो है 10.8 nm का। तो टीवीएस वालों की जो सोच है, सोच के वाकई में दाद देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो शुरू शुरू में बाइक चलाना या फिर स्कूटी चलाना नहीं जानते होंगे, तो ये जो स्कूटी है उन लोगों के लिए शायद परफेक्ट हो सकता है। जो स्कूटी देखने के बाद डर जाते थे पहले, तो वो लोग शायद अब नहीं डरे, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स आए हैं, मतलब राइडिंग मोड्स वाला, तो राइडिंग मोड्स वाला जो फीचर्स है ये आपको मतलब कम ज्यादा पावर में तो हेल्प करेगा ही। मतलब एक तो राइडिंग मोड ऐसा रहेगा जिसका पावर बहुत ही ज्यादा कम रहने वाला है, और एक तो राइडिंग मोड ऐसा होने वाला है जिसके अंदर रॉ पावर रहने वाला है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग जो डर जाते थे नए स्कूटी खरीदने के बाद कि मैं कोई एक्सीडेंट ना कर दूं, मतलब ऐसा वाला कुछ, तो अब ये स्कूटी आने के बाद उन लोगों के लिए शायद बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जो स्कूटी भी चलाना चाहते हैं और डरते भी है शुरू शुरू में, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है ये स्कूटी। तो ये जो एंटॉर्क 125 वाला जो एक्सपी एडिशन आप देख रहे हो, तो इसके अंदर जो अलॉय व्हील दिखाया गया है पिक्चर के अंदर, तो वो रेड कलर के अंदर अवेलेबल है। तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो अभी जो ये पिक्चर लीक हुआ है, इसके अंदर एक ही कलर दिखाया गया है अभी, बाद में शायद और भी ज्यादा कलर आ सकता है स्कूटी के अंदर। और ये जो स्कूटी है, इसका जो लॉन्च डेट है ये कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्कूटी है ये 2021 के ही एंड तक आ जाएगा, या फिर 2022 के शुरू में ही आ जाएगा। थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ना एक नया नया वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। हर दिन मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो आज का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।